इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा हमारी भाभी का हो चुका है डिस्चार्ज। अब हम जहाँ से जा रहे हैं सारी तैयारी कराने, तो भैया जाएगा गाड़ी डेकोरेट कराने, मैं जाऊँगा घर पे घर को डेकोरेट कराने, और ढोल वाले से भी उन्होंने बोल दिया वो पहुँचेगा 1 घंटे बाद। तो जैसे जैसे हम आपको अपडेट दे देंगे, पर गाड़ी वाले अपडेट वीडियो भैया बना लेगा तब से लगा देंगे, नहीं तो भैया घर की दिखा देंगे बस हम आपको। और सारा प्लान ना चौपट हो गया, कहाँ सब वो कर रहे थे कि 5 बजे निकलेंगे यहाँ से, 5 नहीं इन्होंने डिस्चार्ज हमें जल्दी कर दिया 1 बजे, तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। तो जा रहे थोड़ा खाने के लिए, बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज। तो बिरयानी मंगाइए मम्मी ना, मैं सोचा मैं दही ले लूँ। बाकी अंकल और भैया गए हैं ढोल के लिए, शायद ढोल वोल से हमारा आंटी अगर मिल गया उससे वो राजी हो गया आदित्य बड़ सिटी जाने के लिए, तो हम पक्का मतलब ढोल से सोच रहे हैं। चलो यार ले आया हूँ, 2 प्लेट करवा के लाया हूँ, पैक बिरयानी की और 1 प्लेट दही बल्ले की, क्योंकि मैंने चल मैं खा के देख लूँगा बिरयानी कैसी है, पेट तो भरेगा नहीं 1 प्लेट दही बल्ले में। चलो यार डिस्चार्ज पेपर भी तैयार हो चुके हैं, पर उन्होंने बोलते कि आप अभी जा सकते हैं, मैंने बड़ी जल्दी जा सकते हैं, पर अभी कोई है भी नहीं हमारे यहाँ पे। मैंने कहा भैया हम तो सब घर वाले आएंगे तब जाएंगे शाम को, क्योंकि इस टाइम पर तो क्लीनिंग हो जाएगा, टाइम में इतनी धूप में कहीं लेके जाएंगे किसी जच्चा बच्चा दोनों को, तभी जो भैया और अंकल आ जाएंगे पापा जाएंगे सब साथ में निकलेंगे यहाँ से। अब भले इन्होंने डिस्चार्ज हमें कब स्वीट कर दी। चलो दोस्तों चलते हैं घर पे, और घर पे जाके दिखाते हैं आपको डेकोरेशन, मैं और इनके पिताजी जा रहे हैं। ए ये कहते थे जे आगे वाली सीट पर बैठ जाएगी, पीछे एलरोन लग गई बेचारी, इसके अभी ना टीका लग गया है इसके, एक यहाँ लगा एक जांग पे लगा, छी 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 छी, तो बात चलो चलो लेट्स गो। अभी घर पे तो आ चुके हैं, बस मम्मी ने एक दो काम बताया छोटे मोटे से जल्दी से, क्योंकि वो भाभी से रिलेटेड है तो वो कर लें, और फिर इतने फॉर्म वॉर्म संध्या को वो भी आ जाएगी, और फिर थोड़ी देर बाद वही आने वाली है डेकोरेशन में, तो इतने सारे काम निपटा देते हैं। चलो भाई अभी फिलहाल जो है डेकोरेशन वाले भैया भी आ गए हैं, और भाई साहब देखा आपने कैसे गुब्बारे फुर फुर फट 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 मारते हैं, और अगर हम एक गुब्बारे भी फुलाते हैं ना उसमें 10 घंटे लग जाते हैं, ये होता है एक्सपीरियंस, डेली एक ही काम करके क्या हो जाता है। तभी थोड़ी देर में पूरा डेकोरेट कर देंगे, तब आपको दिखाता हूँ पूरी डेकोरेशन। तो यार अभी ना फिलहाल गुब्बारे वाले जो है मेरे डेकोरेशन वाले, वो लोग अपना एक सामान भूल गए हैं, वो है सेलो टेप, तो उन्होंने बोला भाई जाके ले आओ, और उसी टाइम लकीली ये दोनों बहनें आ गई हमारे घर पे, और आज इनके साथ क्या हुआ दिखाइए एक बार। ये लोग ले गए नटकट, और ये पूरा सील पैक है पर लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हवा हवा भरी है, तो ऐसे स्कैम भी होने लग गए मार्केट में, प्लीज बी अवेयर, आज लुट जाती नहीं तो भी इधर। हाँ अभी साहब फाड़ मत दिया वरना चेंज ना करने का है, तो बस मार्केट में जा रहे हैं, धूप बहुत ही बुरी हो रही है, और 1.5 घंटे में है मैं कैसा डांस करेंगे, ढोल पे डांस करेगी वही है ओके। तो बस फटाफट से टेप लिया है और इसका नटकट चेंज करे हैं, और डेकोरेशन तो उन्होंने स्टार्ट कर दी है जो, लेकिन मैं पूरी डेकोरेशन होने के बाद आपको दिखाऊंगा सारी डेकोरेशन, ऐसे नहीं बार बार बार, बस मेरे को डर है कि 1 घंटे में सारे गुब्बारे फूटना स्टार्ट ना हो जाए, सारी मेहनत खराब ना हो जाए हमारी। चलो यार टेप ले ली, इसका नटकट चेंज करा लिया, और धूप बहुत तेज हो रही है, एक तो मैं हुई बहुत गोरा है अग्नि, और ऊपर से और कालो है जाऊंगा, तो क्यों काली ना होती, बस होते नहीं है सनस्क्रीन का कमाल है, ओह नो, जो सनस्क्रीन लगाते हैं अच्छा, और कम धूप में घूमते हैं तो नहीं होता, अच्छा ज्यादा धूप में घूमते हैं तो हो जाता है, ओह नो, इनकी देखो ज्ञान ज्ञान की देवी है, और कुछ हां। चलो यार अभी जो है वो सभी लोग चले गए हैं डेकोरेशन करके, अब मैं आपको दिखाता हूँ एकदम मस्त डेकोरेशन कर दी उन्होंने, वो मात्र 300 बलून लगे हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा, एक बलून भी काफ़ी फूटे भी हैं, तो मतलब कुल मिलाकर उन्होंने 300 पे रखा, और रेट हमें पड़ा 6 रुपये पर बलून, और इसके मतलब 5 रुपये पर बलून हमें रेट पड़ा, और इसके 300 रुपये, तो मैं आपको दिखाता हूँ डिज़ाइन, पहले बाहर से दिखाता हूँ। हमने ना यहाँ पर रेलिंग पर इस तरीके से लगवा दी नीचे तक सारे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सारा, और ये यहाँ पे लगा है दरवाजा, ये सबसे अच्छा लगेगा यहाँ से देखने में, 1 2 इस एंगल से जब देखोगे तो ये एकदम मस्त लगेगा, लो थोड़ा ऐसा करके देख लो पूरा आ जाएगा, और अब दिखाता हूँ मैं आपको अंदर वाला,
अंदर ज़्यादा नहीं कहा। ये सामने वेलकम बेबी है और ये कोने कोने में उन्होंने बल्ब लगा दिए, तो काफ़ी अच्छा लग रही है डिज़ाइन, ना ही ज़्यादा भरा भरा लग रहा और ना ही ज़्यादा बेकार लग रहा खाली खाली। इसको बंद कर देंगे तो इस तरीके से व्यू आएगा कुछ। तो चलो यार, अभी जो टाइम हो रहा 4:30 और उनका फ़ोन आया था कि वो भी निकल चुके हैं हॉस्पिटल से, और अब मैं जाता हूँ फिर लेकर आते हैं समोसे और कोल्ड ड्रिंक सभी के लिए, क्योंकि जो हमारे नेबर्स आ रहे हैं उनको कुछ खिला के भेजेंगे। स्नैक टाइम है, वहीं बेस्ट है, समोसा और कोल्ड ड्रिंक खिला देते हैं